शिनचैन एनिमे। शिनचैन तो सबसे मिस्टेरियस है और उसकी स्कूल तो सबसे ज़्यादा मिस्टेरियस। उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है जो चीज़ें देखकर आप पागल हो सकते हो, मतलब मेंटल भी हो सकते हो। तो इतना सीरियस बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, हर बार की तरह मजाक में ही लेते हैं हम। तो मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग की लाइन थोड़ी सी बहुत ही सीरियस थी, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री नहीं है। तो KTZS TV ने इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था अपने पिछले वीडियो में। तो इस मिस्ट्री को उन्होंने बताया लेकिन जिसे सॉल्व नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस मिस्ट्री को। और ये एपिसोड मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं कर देता हूँ। तो होता है कि कुछ ऐसा है कि प्रिंसिपल सर आते हैं, कोई स्टोरी बताते हैं और उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं और हमें स्कूल का सीन दिखता है कि सब बच्चे सो रहे होते हैं, मतलब टॉयलेट जाना होता है। और इसलिए वो अपने दोस्तों को भी लेकर जाता है। उन्हें दिखता है कि उनके स्कूल में स्टेयर्स है, यानी कि सीढ़ियाँ। तो वो सीढ़ियाँ गिनते हैं और गिनने के बाद उसके बाद क्या हुआ तो आपको ज़रूर से ही पता होगा। और सुबह उठते हैं और जैसे कि देखते हैं तो वहाँ पर सीढ़ियाँ होती ही नहीं है। तो इस तरह की ये कुछ मिस्ट्री है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मुझे मदद की एनिमी हंगर ने। तो मतलब ये मिस्ट्री मैंने एनिमी हंगर को बताई थी, तो एनिमी हंगर ने मुझे कहा कि ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, इसका मैं कुछ बता नहीं सकता। और उन्होंने मुझे एक बहुत ही अहम बात बताई, उन्होंने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर आते हैं। तो इसकी वजह से मेरे मन में बहुत ही बड़ा डाउट हुआ कि आखिर हर हॉरर एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर ही क्यों आते हैं। तो ये सोचकर मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो मैं बहुत ही सोच में पड़ गया। और मैंने किया एक फैसला कि मैं पता लगाऊंगा कि आखिर ये है क्या। तो इसके बाद मुझे पता चला कि ये पूरी की पूरी शिनचैन की एक सीरीज़ है। हाँ, शिनचैन की सीरीज़, यानी कि प्रिंसिपल सर आते हैं, कोई मिस्ट्री बताते हैं और फिर एपिसोड स्टार्ट होता है। और इस सीरीज़ का रियल शिनचैन से कोई भी संबंध नहीं है। इसका मतलब वो तो सिर्फ एक सीरीज़ का एपिसोड था जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और हॉरर चीज़ों के लिए बनाया गया था, और इतनी सी ही ये मिस्ट्री थी। तो 2 मिनट में मैंने पूरी मिस्ट्री एक्सप्लेन कर दी, सॉरी। तो वीडियो में देखने में तो आपको मज़ा ज़रूर से आया होगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।